السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فعنه رضي الله تعالى عنه يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه

हदीस के रावी मशहूर सहावी हज़रत अबू हर अदील तनहो हैं इमाम इबन हज़रानी रहम्ला ने वनो से हदीस की शुरुआत की है और ये मरूफ़ बात है कि जब कोई रवायत जिक्र करते हैं जो कि उससे पहले वाले साहबी ने रवायत की है और अगर वही रावी ये भी है तो नाम ना जिक्र करते हुए व अन हो जिक्र कर देते हैं मतलब कि उन्हीं से रवायत है यानी अभी जो नाम गुजरा है ऊपर यानी जो सहाबी अभी बयान किए हैं यही सहाबी इस हदीस को भी बयान करने वाले हैं काला कल रसूल बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्म ने फरमाया फरमायाद अहद को नौमी ईदा माने जब इस्ते नींद से बेदार होना इस तय कदा बने नींद से बेदार होना यानी सो करके उठना आहदुकुम तुम में से कोई अहादक तुम में से कोई मिन में ही नौम मने। मिन मने से नौ मने नींद नौ नींद यानी सोना फला यगमिसहू फिल इना फला यगमिस दाखिल ना करे पला यगमिस माना होगा दाखिल ना करे ना डाले ना दाखिल करे गमसा यगमिसु के माना होता है अंदर डालना दाखिल करना यदू यद माने हाथ यदू माने अपने हाथ को यदू माने अपने हाथ को यद के माने होता है हाथ फिल इनाई फी माने में अंदर इना माने बर्तन फिल इनाई बर्तन में हत्ता यग सिलहा सलासन हत्ता माने यहाँ तक के हत्ता माने यहाँ तक के यहान गग सलो माने धुलना गलो माने धुलना पानी से साफ करना हत्ता यग सिलहा यहाँ तक क्यों उसको धुल ले हत्ता यकसिल्हा के माना यहाँ तक कि उसको धुल ले सलासन माने तीन मरतबा फ़इन्नहू ला यदरी अइन बातत यदू फ़इन्नहू माने क्योंकि ला यदरी वो नहीं जानता है ला यदरी का माना होगा नहीं जानता है दरा यदरी माने जानना ला यदरी नहीं जानता है आइना माने कहाँ अहिना माने कहाँ बातत यदु बातत यदु बातत माने होता रात गुजारना बातत माने रात गुजारना यद माने हाथ मुत्तफ़क़ुनाली वहाँ दा लफ़्ज़ मुस्लिम वहाँ दा लफ़्ज़ मुस्लिम लफ़्ज़ माने लफ़्ज़ अल्फाज़ क़लिमात मुस्लिम माने इमाम मुस्लिम रहमुहुल्लाह जो कि मुहद्दिस है अबू हर रजील्ल्ह तनों बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया इदस्त कद अहद हुकुम में नौमी इदस्त क़द जब बेदार हो अहदकुम तुम में से कोई शख्स में नौमी ही अपनी नींद से जब तुम में से कोई शख्स अपनी नींद से बेदार हो यानी सोया था और रात में सो करके उठा फजर में उठा है या फजर से पहले उठा है जब भी आदमी की बेदार हो और उसे उठना हो बिस्तर छोड़ना हो नमाज़ की पाबंदी करना हो तो उसे ये अदब सिखाया जा रहा है कि जब भी वो नींद से बेदार हो तो इरा अपने हाथ को ना दाखिल करे फ़िल इनाई पानी में यानी जब भी नींद से आदमी बेदार हुआ है और उसको ज़रूरत है पानी इस्तेमाल करने की और उसको ज़रूरत है पानी लेने की पानी इस्तेमाल करने की तो एक अदब सिखाया जा रहा है कि नींद से बेदार होने के बाद खबरदार कोई अपने हाथ को ना डाले फला अपने हाथ को ना डाले फिल इनाई बर्तन में हता यज्ञ सिला सलाह था यहाँ तक कि वो अपने हाथ को तीन मरतबा धुल ले पानी से हत यहाँ तक कि यज्ञ सिलाहा अपने हाथ को धुल ले सलासन तीन मरतबा यानी नींद से बेदार हुआ है अब उसको पानी की जरूरत है तो अब जाहिर सी बात पानी कैसे लेगा बर्तन है हौज़ है तो अपने हाथ को दाखिल ना करें पानी के अंदर हद है यहाँ तक कि उसको धुल लें यहाँ पर एक अदब जो बताया जा रहा है चूँकि आज हमारे ज़माने में तरक्की हुई है सहूलियात हैं टोटी और हौज़ का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है टंकी वगैरह का कि बस टोटी चालू कर देंगे पानी गिर जा गिरने लगता है आने लगता है पहले ज़माने में ये सूरत हाल नहीं थी पानी बर्तन में रखते थे बाल्टी में रखते थे मटके में रखते थे हौज में रखते थे हाँ तो ज़रूरत पड़ती थी तो हाथ डाल के निकालना पड़ता था तो अब जाहिर है कि आदमी रात में सोया है और फिर उसका हाथ कहाँ कहाँ जाएगा तो अब वो हाथ में गंदगी लगी है नापाकी लगी है कुछ ख़राब है अब फिर उसके बाद वो हाथ पानी में डाल देगा तो ये चीज़ इस चीज़ को तबीयत गवारा नहीं करती है मतलब आदमी घिन महसूस करता है कि देखो वही गंदा हाथ पानी में डाल दिया है लोग पानी पीना छोड़ देंगे पानी ख़राब कर देंगे पानी बर्बाद हो जाएगा और मुमकिन है कि अगर गंदगी ज़ाहिर हो दिखाई दे रही है तो पानी नापाक भी हो जाएगा इसलिए शरीयत ने यह तालीम दी है कि फ़ला यकम सद हो फिलना खबरदार कोई अपने हाथ को आ, कोई शख्स अपने हाथ को दाखिल ना करे फ़िल इनाई बर्तन में यानी जो पानी रखा हुआ है उस बर्तन में हाथ ना डाले हत सिला सलाह सा यहाँ तक कि अपने हाथ को तीन बर्तवा धुल ले यानी पानी से साफ़ कर ले फिर उस पर अपने हाथ को डाले कोई मसला नहीं है फ़ इन नाय अब ये मना क्यों किया गया है कि अपने हाथ को ना डाले इसकी हमत बताई जा रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लोगों को सिखाते थे कैसे तालीम देते थे ये सीखने की चीज़ है कि आपने एक चीज़ से मना किया एक चीज़ से रोका कि ये काम मत करो नींद से बेदार हुए पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है बर्तन में डायरेक्ट हाथ ना डालो पहले अपने हाथ को अच्छी तरह धुल लो तीन मरतबा धुल लेने के बाद हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा फिर उसके बाद हाथ डालने की ज़रूरत पड़ जाए कोई मुश्किल नहीं है लेकिन हाथ आलूदा है हाथ गंदा है कहाँ हाथ गया है कुछ अता पता नहीं है इस कंडीशन में अगर कोई हाथ डाल देता है तो जाहिर है कि आदमी इस चीज़ को पसंद नहीं करता है कराहत महसूस होती है घिन महसूस होता है और आदमी उस पानी को इस्तेमाल करने से कतराता है परहेज करता है अल्लाह के नबी अली नबीत ने उसकी हिकमत बतलाई क्यों मना है कहा लादरी क्योंकि वो नहीं जानता है इन ना अदरी वो नहीं जानता है क्या नहीं जानता है कि यदु उसका हाथ कहाँ रात गुजारा है आई नबात कहाँ गुजारा है यद हु उसका हाथ यानी उसका हाथ कहाँ गया है आदमी सो गया है बेखबर है अक्ल पर पर्दा अक्ल पर, पर पर्दा आ गया है और उसको एहसास नहीं है शुरू नहीं है मालूम नहीं है क्योंकि सोने के बाद आदमी बेख़िब हो जाता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है अब हाथ कहाँ गया है नाक में गया है कान में गया है या फिर मखसूस जगह पर अपनी शरमगा की अगली पिछली शरमगा पर हाथ गया है तो कुछ अता पता नहीं है कुछ मालूम नहीं है मुमकिन है इशकाल है शुभ है कि हो सकता है कि हाथ शर्मगा से टच हुआ हो तो गंदगी है गंदगी है अब वही हाथ जो शर्मगा के पास ले गए हैं खुजलाए हैं टच किए हैं हाथ उसमें मुलविस हो गया है तो अब उसको पानी में डालेंगे तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को तबीयत गवारा नहीं करती है घिन महसूस होता है अल्लाह के नबी अलीसम ने लोगों को नसीहत फरमाई है कि अगर ऐसी हालत हो कि पानी रखा हो बर्तन में बाल्टी में आ, बर्तन में आ, तो उसमें हाथ ना डाला जाए पहले अपने हाथ को अच्छी तरीके से धुल लिया जाए हमारे दिन में सफाई की बड़ी अहमियत है हमारे दिन में पानी की हिफाजत का बहुत ही अहम अहम कानून और असूल और रामता बताया गया है कि पानी को कैसे स्टोर किया जाए पानी को कैसे महफूज रखा जाए पानी को बर्बाद ना किया जाए ये पानी के तहफ़ के लिए तालीम दी जा रही है कि पानी गंदा ना हो गदला ना हो खराब ना हो अल्लाह के नबी साम ने ये लोगों को नसीहत फरमाई है कि जब नीच से आदमी बेदार हो तो पहले अपने हाथ को धुल ले मुतफ़ ये रवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है मुतफ़ किस रवायत को कहते हैं जिस हदीस को इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी रहा ने अपनी अपनी सही में जिक्र किया है ऐसी रवायतों को मुतफ़ अल कहते हैं लफ्ज मुस्लिम यहाँ पे जो हदीस अभी पढ़े हैं हम कि फलायद फिलना हत्या अबी अदी जो हम पढ़े हैं ये रवायत जो है इस लफ्ज़ के साथ सही मुस्लिम के अंदर है वहाद लफ्जो मुस्लिम ये लफ्ज़ सही मुस्लिम का है यानी सही मुस्लिम में जो रवायत है यहाँ पर आपके सामने रख दी गई है पढ़ा दी गई है हदीस का तर्जमा फिर से देखिए अबू हर रदी अल्लाह तु से रवायत हो कहते कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरायाद कदा अद्मिन नो में जब तुम में से कोई अपनी नींद से बेदार हो फ़ला यकम सद हो फ़िल इना तो ख़बरदार अपने हाथ को न डालें फ़िल इनाई बर्तन में हत तक सिला सला यहाँ तक कि अपने हाथ को तीन मरतबा धुल ले फ़िन यदरी इसलिए वो नहीं जानता है आई न बात कि उसका हाथ कहाँ रात में गुजारा है आई न बात उसका हाथ रात कहाँ गुजारा है मुतफ़न सही बखारी और सही मुस्लिम के रवायत हैं वो हजार लफ्ज जो मुस्लिम और ये रवायत यहाँ पर जो मौजूद है ये मुस्लिम के अल्फाज हैं मुस्लिम ने अपने सही में इसी लफ्ज के साथ रवायत बयान की है हदीस से जो बात साबित होती है नंबर एक अल्लाह के नबी सल्हलम ने हमको जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीक़ा बताया है किसी चीज़ को आपने अधूरा नहीं छोड़ा है अल्लाह के नबी सल्लम ने मुकम्मल जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया है सिखा दिया है किसी चीज़ को अधूरा आपने नहीं छोड़ा है इसका मतलब क्या है कि हमको सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी तालीमात पर अमल करना चाहिए तकलीद और अम्मा की तकलीद करने से अम्मा परस्ती से बचना चाहिए इमाम ने क्या कहा पीर ने क्या कहा उसने क्या कहा इन सब के झांसे में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम ने दीन को मुकम्मल बताया है दीन और शरीयत को मुकम्मल वाज किया है अब देखिए सो करके बेदार होंगे नींद खुलेगी पानी की जरूरत है एक छोटी सी बात को भी अल्लाह के नबी नबीला ने सिखाया है कि हाथ को धुल लो फिर अपने अपने हाथ को बर्तन में डालो उससे पहले मत डालो एक छोटी सी चीज़ आप सिखा रहे हैं दीन की आपने हर हर चीज़ को छोटी हो बड़ी हो आपने मुकम्मल सिखा दिया है एक मुसलमान को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है मुकम्मल तफसील अदी में मौजूद है इसका मतलब ये है कि हम सब को सुनत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, की तालीमत पर अमल करना चाहिए और तकलीद से आइमा परस्ती से दूर रहना चाहिए दूसरी बात ये मालूम हुई दिन की हर तालीम को अच्छी तरह बयान करना चाहिए दीन की हर तालीम को अच्छी तरह बयान करना चाहिए जिसे अल्लाह के नबी वसल्लम खोल खोल करके वाज तौर पर आसान अंदाज में सिखाते थे बताते थे पढ़ाते थे ऐसे हमको भी दीन की हर छोटी बड़ी चीज़ को आसानी के साथ नरमी के साथ हाँ अच्छी तरह सिखाना चाहिए बताना चाहिए तीसरी बात यह मालूम हुई कि नींद से बेदार होने के बाद नींद से बेदार होने के बाद अपने हाथ को पानी से तीन मरतबा धुलना चाहिए नींद से हम बेदार हुए अब जरूरत है पानी इस्तेमाल करने की बर्तन में हाथ डालना है तो उससे पहले हमको क्या करना चाहिए तीन मरतबा अपने हाथ को पानी से धुलना चाहिए हाथ साफ रहना चाहिए चौथी बात ये मालूम हुई कि नींद ये अक्ल पर पर्दा डाल देती है नींद ये क्या है अकल को ढाप देती है अक्ल पर पर्दा डाल देती है यानी आदमी इसमें मरफूल कलम हो जाता है उसको कुछ खबर नहीं कि कहाँ कहाँ हाथ गया है कहाँ कहाँ आदमी करोड़ बदला है कुछ नहीं पता चलता है बेखबर ये अकल पर पर्दा हो जाता है चौथी बात ये मालूम हुई पांचवीं बात ये मालूम हुई सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमारा हमारे दिन में सफाई की बड़ी ताकीद की गई है देखिए नींद से बेदार हो गए पहली पहली तालीम क्या दी जा रही है हाथ साफ करो फिर दूसरी तालीम क्या दी गई अभी पहली कल कहदीप में पढ़े कि अपने नाक को साफ करो तो सफाई की हमारे शरीयत में जगह जगह, जगह पे ताकद की गई है लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि सफाई सुथराइ में बहुत सुस्ती बरतते हैं छठी बात यह मालूम हुई कि नींद से बेदार होने के बाद नींद से बेदार होने के बाद बिना हाथ धुले बर्तन में हाथ डालना मना है बर्तन में हाथ डालना मना है क्यों मना है क्योंकि बर्तन में जो पानी है वो गंदे हाथ की से खराब हो सकता है नापाक भी हो सकता है तो नींद से जब बेदार हो तो अपने हाथ को धुल लेना चाहिए बिना हाथ धुले अपने हाथ को बर्तन में पानी में नहीं डालना चाहिए इसी तरीके से सातवीं बात मालूम हुई कि पानी की हिफाजत करना चाहिए पानी की हिफाजत करना चाहिए पानी को ख़राब करने से ज़ाय करने से गंदा करने से नापाक करने से बचना चाहिए पानी अल्लाह ताला की नेमत है बहुत बड़ी नेमत है इसी पानी पर जिंदगी है पानी नहीं तो ज़िंदगी नहीं इसलिए पानी की हिफाज़त के लिए हम सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए अल्लाह तबारक को से दुआ, दुआ दुणास 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 है कि अल्लाह सबको इल्म नाफ़ियत फ़रमाए अमल की तोफ़ी अता फ़रमाए वल नबी रहा वाल वसाजमैन अल्लाम वरम् वर्काता